अगर आप चाहते हैं एक ओवरनाइट फेशियल तो ये वीडियो है आपके लिए। काफी बार हमारी स्किन हो जाती है डल, हो जाती है ड्राई और उस पर कोई ग्लो नहीं होता। और मुझे पूछे जाने वाला ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि निपुण, हमारे चेहरे पे कोई ग्लो नहीं है, हम क्या करें? अगर आपके चेहरे पे कोई ग्लो नहीं है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 12 स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन जो ओवरनाइट एक फेशियल की तरह काम करेगा और अगले दिन आपका चेहरा दिखेगा ब्राइट, ग्लोई एंड ल्यूमिनस। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी, नाउ अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। और जैसे कि मैंने कहा, चेहरे पे ग्लो वापस लाने के लिए आज मैं आपको दिखाऊंगी ये कोरियन स्किन केयर रूटीन। इस रूटीन में दिखाए जाने वाले काफी स्टेप्स मेरे दूसरे रूटीन्स के साथ भी कॉमन है, क्योंकि कोरियन स्किन केयर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम अपने एवरीडे स्किन केयर रूटीन में डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट्स यूजली मैं चेंज नहीं करती, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आपने देखे हुए होंगे। बट हैविंग सेड दैट, इन्हें लगाने का एक ऑर्डर है जो आपके स्किन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। इनफैक्ट कोरियन स्किन केयर की ये खास बात है, इट इज नॉट सो मच अबाउट द प्रोडक्ट्स अलोन। प्रोडक्ट्स आप किसी भी ब्रांड के यूज कर सकते हैं, इट इज द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन और किस तरह से आप प्रोडक्ट्स को अपने चेहरे पे लगाते हैं और उसका क्या फाइनल इम्पैक्ट होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वीडियो को करते हैं शुरू। पहले बालों को टाई बैक करते हैं एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। हर स्किन के रूटीन की तरह इस रूटीन की भी शुरुआत होगी डबल क्लेंजिंग से, यानी स्टेप नंबर वन है यूजिंग अ क्लेंजिंग बाम या क्लेंजिंग ऑयल। क्लेंजिंग बाम या क्लेंजिंग ऑयल आपके चेहरे पे लगे हुए मेकअप, सनस्क्रीन, इन चीज़ों को जेंटली ब्रेक डाउन करता है और आपको फिर इसको मसाज करना है, जेंटली आपको प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करना है। काफ़ी टाइम मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम एक नॉर्मल क्लेंजर को दो बार यूज़ कर लें तो काम बनेगा या नहीं। वेल, बन सकता है काम एंड आई हैव टेस्टेड आउट अ लॉट ऑफ क्लेंजर, बट इन जनरल क्लेंजिंग बाम, यूजिंग अ क्लेंजिंग बाम और अ क्लेंजिंग ऑयल इज़ अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज इससे आपका चेहरा, आपके पोर्स अच्छे से डीप क्लीन होते हैं और ये है स्टेप नंबर वन। क्लेंजिंग बाम हमेशा आप लगाएंगे ड्राई चेहरे पे। अगर आपके चेहरे पे मेकअप नहीं भी है लेकिन अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं, एटलीस्ट दिन में एक दो बार रीअप्लाई करते हैं तो काफ़ी सनस्क्रीन हो जाता है, इसलिए क्लेंजिंग बाम यूज़ करना आइडियल है। मैंने यहाँ एलिमीज का क्लेंजिंग बाम लगाया है जो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। आप किसी भी ब्रांड का क्लेंजिंग बाम यूज़ कर सकते हैं। क्लेंजिंग बाम को हल्के हाथों से मसाज करने के बाद अपने हाथों पे लें आप थोड़ा सा पानी और उसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लें और फिर क्लेंजिंग बाम को और इमल्सिफाई करें। इस स्टेप को आराम से करें और इसमें कोई जल्दी ना करें। क्लेंज नंबर वन यानी कि जब आप अपना क्लेंजिंग बाम वॉश ऑफ करें उसके बाद आप स्टेप टू में लगाते हैं दूसरा क्लेंजर। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बायोडर्मा का ऑयल क्लेंजर, क्योंकि मेरी स्किन जो है नॉर्मल टू ड्राई, थोड़ी सी ड्राई साइड पे है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप एक फोमिंग क्लेंजर यूज़ करेंगे या कोई भी क्रीम बेस्ड क्लेंजर। सो दिस इज माई क्लेंजर दैट आई एम गोइंग टू यूज टुडे, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज इट टुडे एज वेल। जब आपका फेस कम्प्लीटली वॉश हो जाए, आपका फेस ड्राई हो जाए, फिर आता है एक और स्टेप जो कोरियन स्किन केयर रूटीन में बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है बट मेरे स्किन केयर रूटीन में इंक्लूडेड है और वो है मैं लगाती हूँ एक लैश सेरम, आई लैश सेरम। लास्ट ईयर से मैंने काफ़ी सारे आई लैश सेरम्स टेस्ट आउट किए हैं। मेरा जो मोस्ट फेवरेट है, जो मेरे लैशेस पे बेस्ट इम्पैक्ट देता है, वो है रैपिड लैश, जिसके मैंने दो वायल्स ख़त्म किए। उसके बाद मैंने टेस्ट आउट किया ऑर्डिनरी का लैश सेरम, जो भी मुझे अच्छा लगा, मतलब नॉट दी बेस्ट बट गुड। एंड उसके बाद मैं लाई थी ये ग्रैंडे लैश का आई लैश सेरम जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ एंड ये भी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस एंड गो बैक टू माई ओरिजिनल लव विच इज़ रैपिड लैश। सो मैं बेसिकली ये लैश सेरम लगाती हूँ अपने लैशेस पे एंड इसको आपको लैश लाइन के ऊपर लगाना है, तो जहाँ से आपकी लैशेस उगती हैं वहाँ। आप लोअर लैशेस पे भी लगा सकते हैं बट आई डोंट अप्लाई इट देयर। सो लैश सेरम लगाती हूँ, ये है मेरा स्टेप नंबर थ्री। इसके ड्राई होने के बाद हम शुरू करेंगे अपना स्किन केयर रूटीन। लैश सेरम जब तक ड्राई हो रहा है हम कर लेते हैं स्टेप नंबर फोर और वो है लिप केयर। मुझे पसंद है एक लिप स्क्रब लगाना, ये मैं प्रीटी मच हफ्ते में दो तीन बार करती हूँ। ये है एम कैफीन का शुगर लिप स्क्रब जो
एक सेकेंड, जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके जो शुगर पार्टिकल्स हैं जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं एंड ये बहुत जेंटल है आपके लिप्स के लिए। 99% शुगर ग्रैन्यूल्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं आपके चेहरे पे, मतलब लिप्स पे मेल्ट हो जाते हैं एंड अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो नहीं होते उन्हें मैं एक टॉवल से इस तरह निकाल लेती हूं एंड माई लिप्स फील रियली रियली सॉफ्ट, रियली सपल। एंड ये एक्सफोलिएशन का स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे स्किन केयर रूटीन करेंगे आपको रियलाइज होगा कि मैंने अभी अपने लिप्स को एक्सफोलिएट क्यों किया है। एनी हू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्चुअल स्किन केयर रूटीन। सो मेरा पहला स्टेप है एक्सफोलिएशन का, और ये है एक जेंटल एक्सफोलिएशन जो मैं हफ्ते में एक या दो बार करती हूँ। एंड आज मैं एक्सफोलिएट कर रही हूँ विद एन एक्सफोलिएटिंग टोनर। ये है रेन का टोनर, विच इज द रेन ग्लो टॉनिक। इट इज एन AHA बेस्ड टोनर। इसमें लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड है एंड ये इट्स एक्चुअली नॉट वेरी सिमिलर टू पिक्सी। पिक्सी इज मोर ग्लाइकोलिक एसिड, दिस इज मोर लैक्टिक एसिड। एंड इस टोनर को, क्योंकि ये एक्सफोलिएटिंग टोनर है, हाइड्रेटिंग टोनर नहीं है, तो इसे मैं चेहरे पे प्रेस नहीं कर रही, इसे मैं अपने चेहरे पे इस तरह से यूज करूंगी। जब भी मैं कोई हाइड्रेटिंग टोनर यूज करती हूँ, मैं कॉटन पैड कभी यूज नहीं करती। मैं हमेशा उसे डायरेक्टली चेहरे पे अपने चेहरे पे लगाती हूँ हाथों के साथ। पर क्योंकि ये एक्सफोलिएटिंग टोनर है और इसमें मुझे क्वांटिटी को कंट्रोल करना है, इन द सेंस आई डोंट वांट टू गो क्रेजी बाय पुटिंग अ लॉट ऑफ एक्सफोलिएटिंग टोनर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक एक्टिव है, इसलिए मैं इसे एक कॉटन पैड पे लगा के अपने चेहरे को एक्सफोलिएट करूंगी। ऑब्वियसली मैं अपने नेक को भी एक्सफोलिएट करूंगी। And I will take this behind my neck also. And then usually what I like to do is turn the side, take a little more product, and then take it nicely behind my neck because it helps your neck, it brightens your neck. So ye ho gaya hamara step jahan humne gently apne chehre ko exfoliate kiya hai. Now, अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स हैं, और इन जनरल आप सैलिसिलिक एसिड प्रेफर करते हैं, तो आप एक सैलिसिलिक एसिड टोनर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पिक्सी का ग्लो टॉनिक यूज़ कर रहे हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इस स्टेप को कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। नाउ ये सारा हो गया है, आई एम जस्ट गोइंग टू वेट फॉर द प्रोडक्ट टू अब्सॉर्ब, और इसके बाद हम करेंगे स्टेप नंबर टू, विच इज नॉट स्टेप नंबर टू, द नेक्स्ट टोनर, विच इज अप्लाइंग अ हाइड्रेटिंग टोनर। हाइड्रेटिंग टोनर लगाने से पहले मैं चेहरे को हल्का सा मिस्ट कर रही हूँ। ये बेसिकली स्प्रे बॉटल में पानी है, तो मैंने हल्के से चेहरे को मिस्ट किया। और जो हाइड्रेटिंग टोनर मैं यूज करूंगी आप पहले देख चुके हैं, इट इज द सम बाय मी प्रोपोलिस टोनर। ये हनी बेस्ड टोनर है, हाइड्रेटिंग है, इसे मैं डायरेक्टली हाथों पर लेके चेहरे पे प्रेस करूंगी, वैसे ही जैसे मैं हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लगाती हूँ। टोनर को आप थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हैं। अगर आपने सेवन स्किन कोरियन मेथड वाली वीडियो देखी थी, देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। टोनर को आप अपने चेहरे पे लेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस रूटीन में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं एडवाइस करूंगी कि आप जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं लगाएं। ये रूटीन तब करें जब आपके पास टाइम हो, सो दैट यू लेट एवरी प्रोडक्ट अब्सॉर्ब इनटू योर स्किन बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। मेरा नेक्स्ट स्टेप है यूजिंग माय फेवरेट कॉस्ट्रेक्स स्नेल म्यूसिन एसेंस। आई थिंक आई हैव टेकन 3-4 पम्प्स। This is such a magical hydrating product. इसे आप आंखों के नीचे लगाएं, आंखों के ऊपर लगाएं, neck पे definitely लगाएं, apply it all over your face, apply it on your hands. गीले बालों पे भी लगा सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ ये hack. And just let it soak into your skin. ये बहुत hydrating है, आपके चेहरे को एक beautiful glow देता है। ये स्टेप काफी ऑप्शनल है, लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ लगाना एक हाइड्रेटिंग सेरम, और ये भी प्रोपोलिस सेरम है, उसी रेंज का, सम बाय मी की रेंज का। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस रेंज, स्पेशली द टोनर एंड द फेस क्रीम। सो मैंने लगाया एक हाइड्रेटिंग सेरम।
सेरम। इस पॉइंट पे जब आपका चेहरा थोड़ा सा गीला है क्योंकि आपने सेरम टोनर ये सारी चीजें लगाई हैं, इस पॉइंट पे मैं लगाऊंगी मल्टीपल मास्क अपने चेहरे पे, यानी मैं लगाऊंगी एक अंडर आई पैच, लिप मास्क और एक शीट मास्क। और क्योंकि मैं लगा रही हूँ एक लिप मास्क, इसीलिए मैंने अपने चेहरे को और लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट किया था ताकि ऑल द गुडनेस ऑफ दैट शीट मास्क एंड द लिप मास्क गोज ऑन टू माई लिप्स। छोटा सा एक पॉइंट है, जो लिप मास्क अभी तक मैंने ट्राई किए हैं वो इतने ऑसम नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ मस्ट हैव स्टेप, बट बिकॉज आई एम वॉन्टिंग टू एंजॉय योर फुल रूटीन दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मेरे पास यहाँ है हेमिश ब्रांड के बल्गेरियन रोज अंडर आई पैचेस। दिस इज समथिंग दैट आई परचेस्ड नॉट रिसेंटली बट लाइक अ मंथ अगो एंड आई एम रियली रियली एंजॉइंग इट। तो ये मैं सुबह भी लगा लेती हूँ इफ आई फील दैट माई आईज आर लुकिंग पफी और व्हाटएवर, एंड दीज आर रियली रियली गुड। सो ये मैं लगाऊंगी अपने अंडर आईज पे सबसे पहले, दे आर वेरी वेरी हाइड्रेटिंग। नाउ अबाउट दीज पैचेस, चाहे आप हेमिश का पैच लगाएं, चाहे आप हेमिश का पैच लगाएं या किसी भी और ब्रांड का, आपके एक्सपेक्टेशन थोड़े रियल होने चाहिए। सो आई नो जब इनकी मार्केटिंग होती है एंड लाइक यू नो ब्रांड्स टॉक अबाउट देम, दे से कि रिंकल्स हट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होएगा। ये सिर्फ आपके अंडर आई एरिया को हाइड्रेट करेगा। एंड अगर जैसे मैं सुबह लगाती हूँ एंड मॉर्निंग थोड़ी पफीनेस होती है तो वो कम हो जाती है, दैट्स ऑल दे डू। ओके, सो हैव योर एक्सपेक्टेशंस राइट। Having said that, I really enjoy this step. Next, I'm going to put my lip mask so I won't be able to talk, and I will apply my sheet mask. So sheet masks, eye mask, lip mask, ये सब उतारने के बाद time आता है massage का। There is so much amazing product that's on your skin जिसे आपको अच्छे से अपने चेहरे पे मसाज करना है ताकि ये completely absorb हो जाए। We are already on step number 11 और अब मैं लगाऊंगी आई क्रीम। जो आई क्रीम मैं लगा रही हूँ unfortunately अभी मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ये टेस्टिंग फेज में है, but I think this is going to be a good one, an affordable one. So, let's see. ये eye cream मैं काफ़ी time से test कर रही हूँ and usually मैं इसे सिर्फ रात को लगाती हूँ, दिन में मैं usually अपनी vitamin C वाली eye cream लगाती हूँ and I do feel that this is a product that can really work on under eye wrinkles and overall firmness and things like that. सो आई क्रीम लगाएंगे उसके बाद नेक। अब हम अपने रूटीन को कंप्लीट कर रहे हैं तो इस रूटीन में हमने ऑलरेडी अपने चेहरे को एक्सफोलिएट किया जेंटली विद एन एक्सफोलिएटिंग टोनर, उसके बाद हमने हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लगाए जैसे हाइड्रेटिंग टोनर, हाइड्रेटिंग सेरम, हाइड्रेटिंग एसेंस, शीट मास्क, सारा कुछ अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम लगाएंगे एक फाइनल सेरम। आप कोई भी हाइड्रेटिंग सेरम लगा सकते हैं, जो मैं लगाऊंगी वो है मेरा फेवरेट गेरला वॉटरी ऑयल सेरम। अगर आपने एक्सफोलिएटिंग टोनर यूज़ नहीं किया है तो आप इसकी जगह अपना पेप्टाइड सेरम यूज़ कर सकते हैं, नायासिनमाइड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इस टाइप का हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट सेरम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी क्रीम, ये है संबाई मी की प्रोपोलिस क्रीम एंड आई थिंक ये एक ऐसी क्रीम है जो मैंने सबसे जल्दी ख़त्म करी है। आई गॉट दिस सम टाइम इन जनवरी, आई मीन आई गॉट दिस प्रोडक्ट इन डिसम्बर, पर जनवरी तक मैंने इसको यूज़ करना शुरू नहीं किया था एंड वे मिड ऑफ फेब एंड ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। वाटर जेल बेस्ड फॉर्मूला है इसका, आई लव इट सो मच। And as you can see, I feel like my skin is already looking brighter, it's already glowing, but obviously you'll see the final impact in the morning. जब ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाए, यानी जब आपकी क्रीम कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाए, अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो मैं रेकमेंड करूंगी आप एक या दो ड्रॉप किसी भी फेशियल ऑयल के लगाएं, नहीं तो आप अगर आपकी स्किन ऑयली है तो अपना रूटीन यहीं ख़त्म कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्लीपिंग मास्क पड़े हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं, इसलिए मैं लगाऊंगी एक स्लीपिंग मास्क। और ये जो मैं लगा रही हूँ ये है एवोकाडो मेल्ट रेटिनॉल स्लीपिंग मास्क बाय ग्लो रेसिपी। इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्लीपिंग मास्क इन जनरल कुछ खास नहीं करते आपके स्किन के लिए,
दिस वन इज वेरी गुड दो एंड आई डोंट वॉन्ट दिस टू एक्सपायर अनफिनिश्ड, इसलिए मैं इसे लगा रही हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल स्टेप. इसके बाद मैं लगाऊंगी एक लिप मास्क एंड दैट इज गोइंग टू कम्प्लीट दिस रूटीन. अब इस पॉइंट पे शायद आप में से कुछ लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि आपने एक AHA बेस्ड टोनर लगाया और फिर एक रेटिनॉल बेस्ड स्लीपिंग मास्क, वो कैसे? बिकॉज आप इसे हमेशा कहते हैं कि AHAs एंड रेटिनॉल को कंबाइन नहीं करना चाहिए. वेल, मेरी स्किन दो चीजें हैं. मेरी स्किन फर्स्टली ये टॉलरेट कर सकती है, सेकेंडली AHA बेस्ड टोनर AHA बेस्ड सेरम से बहुत ज्यादा माइल्ड होता है, तो उसमें AHAs की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. और ये एक रेटिनॉल बेस्ड स्लीपिंग मास्क है जिसमें भी रेटिनॉल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. सो दैट इज वाई These two products can be layered together. Final step, मैं लगा रही हूँ लिप मास्क. ये है ताचा का लिप मास्क. आप कोई भी लिप मास्क या वैसलीन लगा सकते हैं and that completes the routine. अब वीडियो खत्म नहीं हुई है. Keep watching because I'm going to show you the impact of this routine in the morning. So wait for it. Good morning and as promised, ये है after effect हमारी night skin care routine या skin care treatment का. Zoom in करके दिखाती हूँ. As you can see, the skin is super shiny, super plump. अंदर से ही एक चमक है because the skin is very, very well hydrated. I hope you enjoyed this routine. Do try it out. Give me your feedback. मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में. Till then, take great care of yourself. Bye.